लोकतंत्र के इस चुनाव में 55 लोकसभा सीट जनपद अंबेडकर नगर में युवाओं का रहा बोलबाला। भाजपा युवा नेता वरुण प्रताप सिंह रूपक भैया ने मतदाताओं के घर पहुंचकर बने सारथी और कराया मतदान और स्वयं घर वालों के साथ भी किया मतदान। विधानसभा टांडा विधायक संजू देवी ने भी किया मतदान और मोदी सरकार को फिर से आने का किया दावा। वहीं इस कड़ी में बसपा युवा नेता शरद यादव ने मतदान कर बहन कुमारी मायावती के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए सरकार बनाने का दावा किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी मुकुट बिहारी वर्मा ने भी मतदान कर मतदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी रितेश पांडे मतदान के दौरान अपना मत का प्रयोग करते हुए मतदान स्थल पर नजर आए। अकबरपुर वर्तमान चेयरमैन सरिता गुप्ता ने भी मतदान कर जनता से देश के एक कुशल प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर चप्पे चप्पे पर रहे एसएसबी के जवानों व पीएससी के जवानों की मुस्तैदी ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं जिला अधिकारी सुरेश कुमार और पुलिस कप्तान दल बल के साथ बूथों का निरीक्षण किया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए जनपद अंबेडकर नगर से सर्वेश गुप्ता की रिपोर्ट। आप सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक साफ सुथरी सरकार बनाने में मदद करें।